हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट से, अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माउस। अ माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट ऑन स्क्रीन। अब माउस क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट ऑन स्क्रीन। जैसे आप देख ही रहे होंगे ना, मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो ये कर्सर को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट फाइल, सेलेक्ट भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है फाइल्स को। अ माउस कंसिस्ट लेफ्ट राइट बटन्स एंड अ रोटेटिंग व्हील इन बिटवीन देम। अब माउस में एक लेफ्ट बटन लगा होता है, एक राइट में लगा होता है और एक बीच में व्हील लगा होता है पेज को अप डाउन करने के लिए। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल नाउ डेज आर। अब तरह तरह के जो माउस है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब पहले थे मैकेनिकल माउस, जब हमारा टाइम था, जब हम सीख रहे तो हमारे टाइम में इस तरह के माउस होते थे, मैकेनिकल माउस। ये है मैकेनिकल माउस, नीचे इस तरह से एक व्हील सा लगा होता था, जैसे मूव करते थे, जैसे व्हील मूव होगा तो साथ में इस तरह से माउस का ये जो पॉइंटर है ये साथ में मूव होता था। ठीक है, और ऑप्टिकल माउस आए फिर। अब जो टाइम चला हुआ है ऑप्टिकल माउस का चला हुआ, नीचे लाइट जलती है, लाइट के ऊपर ही काम करते हैं। और इसके बाद आ गए हैं अब वाई फाई माउस। ठीक है, दूर बैठ के हम बिना वायरलेसली जो है अपना माउस का जो पॉइंटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं फाइल की। ठीक है, तो ये थे हमारा माउस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक तो आप सभी ने देखी होगी, गेमिंग कंसोल्स में भी देखी होगी, है ना। अ जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन द स्क्रीन। अब जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है जो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के काम करती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जॉयस्टिक इज़ यूजफुल इन प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, टू कंट्रोल रोबोट्स, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। ठीक है, ये जॉयस्टिक का काम है, सभी जगह आप देख सकते हैं, टू कंट्रोल रोबोट्स को कंट्रोल करने में, कंप्यूटर को कंट्रोल्स करने में, हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, और रोबोट्स को फिर मैनुअली कंट्रोल करते हैं फिर इन जॉयस्टिक से। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट पेन की। शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस तरह का होता है देखने में लाइट पेन। ठीक है, लाइट बीम निकलती है टचिंग के लिए। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज़ यूज टू सेलेक्ट मेनू ऑप्शन एंड ड्रॉ पिक्चर ऑन स्क्रीन। ठीक है, इसका काम भी क्या है, मेनू ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो या पिक्चर ड्रॉ करनी हो स्क्रीन के ऊपर। इट कंसिस्ट अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम इन ए स्मॉल ट्यूब। आप देखो इसमें एक लगा होता है फोटो सेल, आगे लगा होता है इसमें फोटो सेल। ठीक है, और एक ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है, एक लाइट बीम सी लगी होती है, इसमें फोटो सेल डला होता है बैक साइड में ना, यहाँ पे बैटरी जैसी होती है फोटो सेल। ठीक है, और एक ऑप्टिकल यहाँ पे लाइट बीम सी बनती है इसके ऊपर, इस ट्यूब के अंदर ही होती है, और दोनों ही चीज़ें सेल भी और वो ऑप्टिकल। आपने लेज़र देखो देखा ही होगा, लेज़र की तरह होता है ये भी। ठीक है, आगे से लाइट पॉइंटिंग, इस तरह से लाइट बल्ब जलता रहता है, और नीचे जैसे स्क्रीन के ऊपर इसको टच करें तो इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा लाइट पेन है। अब इसके बाद आती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो हमने देखी होगी मोबाइल फ़ोन्स में, है ना, एंड्रॉयड फ़ोन में, विंडोज़ फ़ोन है, मैकनोटोस हैं, या फिर आपके जो आईओएस हैं, आईपैड हैं, आईफोन हैं, सब में टच स्क्रीन है ना। अ टच स्क्रीन इज़ एन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन टच सेंसिटिविटी, जो एक टच यानी कि छूने की जो संवेदनशीलता है उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, इट टेक्स इनपुट विद आवर फिंगर, टच की इनपुट लेती है हमारे फिंगर टच से, सच एज एंड्रॉयड फ़ोन स्क्रीन हो गई, विंडो फ़ोन स्क्रीन हो गई, एटीएम मशीन स्क्रीन हो गई एक्सेट्रा। और देखने में आपको पता ही है टच स्क्रीन किस तरह की होती है देखने में। अब बात करते हैं ट्रैक बॉल की। हाँ, ट्रैक बॉल इज लाइक एन अपसाइड डाउन माउस, एक उल्टा माउस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो बॉल नीचे होती थी इसमें ऊपर होती है, इसके ऊपर ही हम हाथ इस तरह से मूव करते हैं और पॉइंट बटन्स लगे होते हैं साइड में। अ ट्रैक बॉल इज लाइक एन अपसाइड डाउन माउस, इट इज़ यूज इन द सेम वे एज ए माउस, इसका भी सेम वैसे यूज़ किया जाता है जैसे माउस का किया जाता है, ये देखो माउस की तरह ही है, लेकिन जो नीचे लाइट जलती है ना ऑप्टिकल वाली, यहाँ ऊपर है बॉल सी बनी हुई है, के ऊपर हम हाथ मूव करते हैं, फिंगर्स मूव करते हैं, और साइड में सेम वैसे ही लेफ्ट और राइट बटन लगे हुए हैं इसके, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैनर्स की, जो भी एक इनपुट डिवाइस में आते हैं।
Scanner is an input device that is used to scan our documents, picture, graphics, even our handwritten documents. स्कैनर भी क्या एक इनपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज टू स्कैन अवर डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को, पिक्चर्स को, ग्राफिक्स हो गई, यहाँ तक इवन यहाँ तक कि हमारे हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के काम आती है, ठीक है, एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म इन टू कंप्यूटर मेमोरी, और उनको फिर हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी या फ़ोन की मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये जो हम फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं ना, सेम वैसा ही है ये भी, फ़ोटो खींच के हमारे फ़ोन की जो डिजिटल मेमोरी है यानी कि डिजिटल फॉर्म 0 एंड 1 में सेव हो जाता है हमारी मेमोरी में, ठीक है। एक तरह से हम जो फ़ोटो खींचते हैं वो भी एक स्कैनिंग ही होती है। स्कैनर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब स्कैनर कितनी तरह के हैं? 3 तरह के। एक ड्रम स्कैनर्स होते हैं, फ्लैट वेड स्कैनर्स होते हैं, ड्रम स्कैनर्स होते हैं, फ्लैट वेड स्कैनर्स होते हैं, और ड्रम स्कैनर्स होते हैं, लाइन स्कैनर्स होते हैं। ये हैं सारे की सारी टाइप्स, इनकी देखना, लाइन स्कैनर, फ्लैट वेड स्कैनर्स और ड्रम स्कैनर्स किस तरह के होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर की। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो भी एक ऑप्टिकल स्कैनर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ना ऑप्टिकल, ऑप्टिकल वो चीज़ें होती हैं जो रोशनी के ऊपर काम करती हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस तब बोलते हैं क्योंकि उसके नीचे लाइट जल रही होती है, लाइट के ऊपर जैसे हम मूव करते हैं वो लाइट की ही मूवमेंट के ऊपर वो काम करते हैं, है ना। ये भी सेम ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, जैसे स्कैनर था वो भी ऑप्टिकल स्कैनर है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो रीड करता है हमारी OMR शीट्स को, इनको बोलते हैं OMR शीट्स। आप लोगों ने मैट्रिक में ये शीट भरी भी होगी, है ना, इनको बोलते हैं OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो इन OMR रीडर के अंदर ही स्कैन होती है, इन ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंदर ही उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डिटर्मिन होते हैं। एंड OMR शीट कंटेन बबल्स। अब इन OMR शीट्स में क्या होता है, बबल्स बने हुए होते हैं, गोले से बने होते हैं ना, दैट आर फिल्ड विद ब्लैक और ब्लू इंक, जिनको हम कैसे भरते हैं, ब्लैक और ब्लू इंक से। एंड ओनली ऑप्टिकल मार्क रीडर कैन रीड दीज फिल्ड बबल्स। और ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना वो ही सिर्फ इन शीट्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, हमारे जो कंपिटिशन्स लड़ने के लिए होते हैं, वो सारे के सारे इस तरह की ऑप्टिकल मार्क शीट देते हैं हमें, OMR शीट देते हैं, उन्हीं में हम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देते हैं, तो सारी की सारी शीट जाके जो रिजल्ट तैयार होता है तो इन OMR के ज़रिए तैयार होता है। फट ये शीट उनमें डालते हैं और फटाफट उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिटर्मिन हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, और फट से रिजल्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। ये होती है वो OMR शीट, ठीक है, इस तरह की होती है। जैसे रोल नंबर यहाँ पे भरा, यहाँ पे 1 भरा तो 1 भरेंगे, यहाँ पे 2 भरा तो 2 ब्लैक करेंगे, 7 भरा तो यहाँ पे आके 7 को ब्लैक कर देंगे। ये आप लोगों ने भरी हुई है इस तरह की शीट्स, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की, OCR। अब OCR तो चलो ये है भी और उनका यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन OCR जो है अब एक तरह का सॉफ्टवेयर ऐप भी है फ़ोन के अंदर जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिक्चर के अंदर कुछ लिखा हो ना को हम एडिट नहीं कर पाए तो उसको ये शब्दों में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कोई अखबार है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो OCR ऐप डाल के जो है हम उन सारे के सारे जो डेड वर्ड्स होते हैं ना, उनको डेड ही बोलेंगे क्योंकि उनके ऊपर एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उन सारे के सारों को ये रीड करके वो एक बोल बोल अगर एक दूसरी से भाषा में बोले तो एक लाइव वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लिविंग वर्ड्स बोल सकते हैं उनको, है ना, लिविंग वर्ड्स में जिनमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। फिर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस दैट रिकोगनाइज प्री स्पेसिफाइड अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक करेक्टर्स, ठीक है, ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो रिकोगनाइज करती है, पहचानती है प्री स्पेसिफाइड अल्फाबेट्स। प्री स्पेसिफाइड मतलब पहले से ही लिखे हुए है, A to Z हो गए जैसे अल्फाबेट, इनको भी पहचान सकती है, 0 to 9 जो डिजिट होते हैं इनको पहचान लेती है। ये एक तरह की वैसी मशीन है जिसको हम OCR बोलते हैं ना, इसका यूज़ करते हैं हम, इस तरह से पेज के ऊपर मूव करते हैं और ये वर्ड्स को पढ़ती जाती है और फटाफट कंप्यूटर के अंदर उनको स्टोर करती जाती है वर्ड्स को। लेकिन अगर इस मशीन का सहारा ना लेना हो तो हम ऐप का सहारा भी ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर का सहारा ले सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन में भी होती है, एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरह की ऐप्स होती हैं OCR, उनको हम इंस्टॉल करके अपने जितने भी डेड डॉक्यूमेंट्स, डेड वर्ड्स होते हैं उनको लिविंग वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, माइक्रोफोन।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइक्रोफोन, शॉर्ट में माइक बोल देते हैं। ठीक है, अब ये बड़े भी होते हैं थोड़े से और बिल्कुल बारीक से भी होते हैं, फ़ोन के अंदर लगे होते हैं। अब ये माइक को माइक माइक की जो ये जो माइक्रोफोन होते हैं ना, उनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो माइक है। ठीक है, अब माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। अब माइक्रोफोन भी क्या है, एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करती है इनपुट किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, आवाज़ के रूप में। माइक्रोफोन हेल्प्स इन मिक्सिंग म्यूजिक एंड स्टोर साउंड इन डिजिटल फॉर्म इन साइड ए कंप्यूटर। अब माइक्रोफोन जो होता है वो हेल्प करता है हमारा गानों की मिक्सिंग में भी और स्टोर करने में आवाज़ को एक डिजिटल फॉर्म में इन साइड ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हो सकता है, मोबाइल के अंदर हो सकता है, वो पता ही आप लोगों को। रिकॉर्डिंग जिस डिवाइस से कर रहे हैं उन सब के अंदर लगा होता है माइक। ठीक है, तभी वो रिकॉर्ड कर पाते हैं क्योंकि उनमें हमारी वॉइस जो होती है वो इनपुट होती है, फिर जाके हमारी मेमोरी के अंदर वो स्टोर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर की, MICR। अब एक और नई डिवाइस आई, एक नया उपकरण आया इनपुट के लिए। MICR इज ए स्कैनर दैट रिकॉग्नाइज करेक्टर्स रिटन विद स्पेशल आयरन ऑक्साइड और मैग्नेटिक इंक। अब ये जो MICR है ये भी एक स्कैनर है जो पहचानता है करेक्टर्स को रिटन विद स्पेशल इंक, जो कि एक खास स्याही से लिखे होते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं या उसको मैग्नेटिक इंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये जिस स्याही में, ये जिस स्याही की बात कर रहे हैं, जिस इंक की बात कर रहे हैं, उस इंक में जो भी शब्द लिखे होते हैं सिर्फ उसको ही, उन वर्ड्स को ही ये पहचानता है। दिस इंक रिफ्लेक्ट लाइट। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का जो लेंस है उसको रीड करने के लिए, जैसे वो लेंस ऊपर आता है ना, तो ये जो लाइट है एक रिफ्लेक्शन छोड़ती है। ठीक है, दिस इंक रिफ्लेक्ट लाइट एंड दिस लाइट इज़ ऑब्जर्व बाई MICR। और इस ये जो लाइट है इसको ऑब्जर्व कौन करता है, हमारा MICR करता है, जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जो लेंस लगा हुआ है उसके अंदर, जो जो भी उसके अंदर ड्रम जो भी चीज़ लगी हुई है ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, MICR। अब जो MICR है वो क्या क्या पहचानता है, MICR रिकॉग्नाइज चेक नंबर, चेक नंबर्स को पहचानने के लिए, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं उनको पहचानने के लिए, एंड ब्रांच कोड, और ब्रांच कोड को पहचानने के लिए ज़्यादातर MICR का यूज़ होता है हमारे बैंक्स के अंदर ही। ठीक है, बैंक्स वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं चेकिंग के लिए, वो चेक बनते हैं, ड्राफ्ट वगैरह बनते हैं। ठीक है, उनके लिए DD बनते हैं हमारे, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, तो उनके ऊपर लिखा होता है, वो स्पेशल लिंक में लिखा होता है, उस स्पेशल लिंक को सिर्फ यही ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ यही रीड करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अब बात करते हैं BCR की, बार कोड रीडर होते हैं। अब बार कोड इज ए सेट ऑफ पैरेलल प्रिंटेड लाइंस। अब बार कोड जो होता है एक सेट होता है, ग्रुप होता है पैरेलल प्रिंटेड लाइंस का, इस तरह का देखा भी होगा आपने, कॉपीज के ऊपर भी होता है, जो हम चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से उनके ऊपर इस तरह का पैटर्न बना होता है, कपड़े खरीदते हैं कपड़ों के ऊपर एक टैग लगा होता है उसके ऊपर इस तरह सा पैटर्न बना होता है। ठीक है, एंड ईच लाइन रिप्रेजेंट ए नंबर, और हर एक लाइन के नीचे जो है देखो इस तरह से नंबर बना हुआ है। ठीक है, एट द बॉटम नीचे, दैट मेक्स अ कोड, जो एक कोड बना रहा है। दिस कोड कंटेन द नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब इस कोड के अंदर ही प्रोडक्ट का नेम भी है, इट्स प्राइस उसका प्राइस भी है, एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और इसके अलावा उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में वो भी इसी ही कोड के अंदर होती है। अब इसको कौन पहचानता है, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाई अ बार कोड रीडर। अब इसको कौन पहचानता है, ये बार कोड रीडर। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, दुकान में बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते होंगे, इस तरह से फटाफट फ्लैश किया, कोड को रीड किया एकदम से, फटाफट प्राइस भी, उसकी क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, कंपनी भी, जो भी है, जो कुछ भी उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो एकदम से कंप्यूटर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल कैमराज की। ठीक है, अ डिजिटल कैमरा स्टोर इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली इन इट्स मेमोरी। अब ये जो डिजिटल कैमराज होते हैं वो हमारी इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, ये आपको पता ही होगा, आपके फ़ोन में लगा हुआ है, आप लोग पिक्चर्स, स्नैप्स, सेल्फी जो भी आप लेते हैं ना, तो वो सारी की सारी पिक्चर्स को इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि बिजली से ही स्टोर करते हैं ना, और डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, 0 और 1 में। द क्वालिटी ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन कैमरा मेगा पिक्सल्स। अब जो क्वालिटी होती है कैमराज की वो डिपेंड करती है मेगा पिक्सल्स के ऊपर। नाउ डेज 10 to 20 मेगा पिक्सल कैमराज आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब 10 और 20 का तो ज़माना गया है। ठीक है, अब 10 to 20 के, अब
48 मेगापिक्सल के हो चुके हैं। अब नाउ डेज में, इन द कमिंग डेज में आप लोगों को मिल जाएंगे ये 110। माइक्रोसॉफ्ट लेके आ रही है और बहुत सारी जो कंपनीज हैं जैसे शाओमी है वो ही खुद लेके आ रही है 120, 150 मेगापिक्सल्स के कैमरास। ठीक है, तो इनका जो टाइम है डिजिटल कैमरास का, इनके जो मेगापिक्सल्स का है, वो धीरे धीरे, वो भी एक तरह की एवोल्यूशन बोल सकते हैं, उसका भी एक क्रमिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल फिर हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल। Oh,